वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक वर्ब का हम तो स्ट्रक्चर वर्ब पढ़ा है कि क्या स्ट्रक्चर है, तो उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अभी हमने क्या किया, पहले मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिया, उसके बाद हमने उसकी ड्रिल की, क्या किया ड्रिल, उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस आया तो वहां जाके आपने क्या किया कन्वर्सेशन किया। जब कन्वर्सेशन किया तो एटमोस्फेयर बना कि नहीं बना, नहीं बना, आधा घंटा 15-20 मिनट से ही बना। स्टार्ट किया कनेक्शन गए कॉन्सेप्ट से, आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा उसके ऊपर ड्रिल होगी, उसके ऊपर कन्वर्सेशन होगा, एटोमेटिक कॉन्फिडेंस के बाद फिर कन्वर्सेशन। क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने उसके ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और हम उसके ऊपर मेहनत नहीं की है, ड्रिल नहीं, जिसके से हम हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा, ड्रिल कर रहे, उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ रहा, उसके बाद कन्वर्सेशन कर रहे, उसके एटमोसफेयर बढ़ रहा। हम दूसरों पर वो लगाते हैं ना कि हम एटमोसफेयर नहीं बनी, एटमोसफेयर हमको बना। ओके फर्स्ट से सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑफ द वर्ब प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ कैन, ये जो मॉडल ऑफ द वर्ब है, कैन कुड शुड कुड मस्ट, ओके ओके मे माइट, ये हमारा साधारण है। तो ये चीज याद रखो, मैं एक बता रहा हूँ ताकि आप एग्जाम्पल कर पे, आई कैन गो। अब जितने भी मॉडल ऑफ द वर्ब से सबके साथ बी वन है, बी टू कभी है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑफ द वर्ब प्लस बी वन प्लस वन द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। अब आपके पास जो है मैंने दिया स्ट्रक्चर, एक साथ सरल मिल के बोलो, आई कैन गो होम, 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 ऐसा ऐसा खींचे तो नहीं करो, लड़ाई नहीं है, आई कैन गो होम, आई कैन कम होम, आई I can go home, I can come home, I can open the door, I can close the door, I can throw the ball, understand? Yes. Just like, start. I can go home, I can come home, I can open the door, I can close the door, I can throw the ball, I can throw the ball, I can go home, I can come home, I can see the bus, I can stand outside, I can jump in the garden, I can run the garden, I can play the ball. Yes, I can throw the ball. Can you catch the ball? Yes, I can
क्लास में बच्चे हैं, 20 बच्चों के नाम याद है आपको? कोई बच्चे क्या तुम्हारे पड़ोस के सबके नाम अलग अलग होने चाहिए, ओके? हाँ मैं पूछ रहा हूँ, who can go, पहले आप रिपीट करो, who can go, 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 who can stand outside, who can jump in the garden, who can run in the garden, who can play football, who can tell something, who can speak English, who can read a book, who can write a diary, who can read a diary, who can drink milk, who can say a word. Understand? I will ask one question, you use the different names. Sab alag naam hone chahiye, theek hai? Who can go home? Can go home. अच्छा एक काम करो, मैं नाम दे देता हूँ, सब मिलके बोलो, अली, ठीक है? अली कैन गो होम, जहाँ हु वाला हमारा क्वेश्चन, सिर्फ आपको अली लिखना, नाम लिखना, ठीक है? से हु कैन गो होम, अली कैन गो होम, हु कैन कम होम, अली कैन कम होम, हु कैन ओपन द डोर, अली कैन ओपन द डोर, हु कैन क्लोज द डोर, अली कैन क्लोज द डोर, हु कैन थ्रो द बॉल, अली कैन थ्रो द बॉल, हु कैन कैच द बॉल, अली कैन कैच द बॉल, हु कैन डू होमवर्क, अली कैन डू होमवर्क, हु कैन कंप्लीट होमवर्क, अली कैन कंप्लीट होमवर्क, हु कैन सिट इन द क्लास, अली कैन सिट इन द क्लास, हु कैन स्टैंड आउटसाइड, अली कैन स्टैंड आउटसाइड, हु कैन जंप इन द गार्डन, अली कैन जंप इन द गार्डन, हु कैन रन इन द गार्डन, अली कैन रन इन द गार्डन, हु कैन प्ले फुटबॉल, अली कैन प्ले फुटबॉल, हु कैन टेल something, अली कैन टेल something, हु कैन स्पीक इंग्लिश, अली कैन स्पीक इंग्लिश, हु कैन रीड उर्दू, अली कैन रीड उर्दू, हु कैन राइट मराठी, अली कैन राइट मराठी, हु कैन मेक बिरयानी, अली कैन मेक बिरयानी, हु कैन ड्रिंक मिल्क, अली कैन ड्रिंक मिल्क, हु कैन नॉट, हु कैन स्लीप एट होम, अली कैन स्लीप एट होम, नेक्स्ट हु कैन गो, हु कैन नॉट गो, अली कैन नॉट गो, नो रिपीट द क्वेश्चन, हु कैन नॉट गो, हु कैन नॉट गो, cannot go, पूरे सवाल को रिपीट कर प्रैक्टिस करना आपको, who cannot go, who cannot come, who cannot open the door, start.